तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कमला की बहन सरला, और हम लोग सीधे आ चुके हैं कमला के घर में। एक मिनट, पहले अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमेशा की तरह यहाँ पे गणेश जी की एक फ़ोटो लगी रहती है, जो कि अभी भी लगी है। तो चलो इस घर में चलते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाती है सेल्फ की। चलो सेल्फ की को उठा लेते हैं। अब इस वाले घर में चलते हैं, ये शायद किचन था। ओके, किचन में हमको कुछ नहीं मिलता, इस बार भी कुछ ही नहीं मिलेगा। और सामने एक ड्रॉअर पड़ा हुआ है, और हमेशा की तरह इसमें भी कुछ नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे है सरला का बेडरूम, जिसको खोलने के लिए हमको चाबी चाहिए, और चाबी हमारे पास है नहीं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है दिवाकर निवास का फ़ोटो, जो कि देखने में बहुत डेंजर लगता है और बार बार मुझे डरा देता है। और यहाँ पे है दादाजी का रेडियो, जो कि अब कोई नहीं सुनता है, कमला तो सुनती नहीं होगी। यहाँ पे एक ड्रॉल है, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये एक रूम है, यहाँ पे एक छुपने के लिए है, और यहाँ पे हमको नमक मिल गया। जल्दी से इस नमक को ले चलते हैं और हवन कुंड के पास रख देते हैं। ओके, ये रहा हमारा हवन कुंड, सामने दिख रहा है। और इसको रखना होता है यहाँ, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रख देते हैं नमक को। अब चलते हैं दूसरा चीज़ ढूंढते हैं, हमको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे एक और रूम है, चलो इसमें जाकर देखते हैं क्या मिलता है। ओके, यहाँ पे कोड मिल गया है, एक है लेफ्ट साइड और तीन ऊपर ऊपर है। ओके, ये कोड याद रखना पड़ेगा, हमको यूज करना होगा इसका। बट उस वाले रूम में अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। चलो आगे चल के, इस ड्रॉल में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। आगे चल के देखते हैं वो रूम कहाँ मिलेगा हमको। ये मंदिर मिल गया हमको गाइस। हवन कुंड के पास एक रूम होता है, जिसको अभी तक हमने चेक नहीं करा है, तो पहले जाकर उसको चेक कर लेते हैं, वहाँ से हमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये रहा वो रूम, यहाँ से हमको बेडरूम की, और यहाँ पे कुछ है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे गौमूत्र, अरे उठ जा भाई, गौमूत्र को उठाकर हवन कुंड के पास रख देते हैं। चलो हवन कुंड, इसको कहाँ पे रखा जाएगा? ओके, यहाँ पे रखा जाएगा इसको, डन। अब गाइस सीधे चलते हैं उस पजल वाले रूम में, जहाँ पे हमको हाथी का पजल सॉल्व करना था, जहाँ से हमको कपूर मिलता है। ओके, ये रहा वो रूम, ये रहा। ओके, यहाँ पे हमको उसको सॉल्व करना था। ये कहाँ था? ये लेफ्ट था और ये ऊपर था, ये भी ऊपर था और ये भी ऊपर था, डन। यहाँ से हमको क्या मिलता है यार? कपूर मिल गया। चलो इसको ले चलते हैं सीधे हवन कुंड के पास, वहाँ पे इसको रख देंगे। हवन कुंड किधर से जाना होता है? एक तो गाइस मैं बार बार रास्ता भूल जा रही हूँ, किधर से जाना है। ओके, शायद इधर से जाना है हवन कुंड के पास। ओ, ये तो सामने से ही डरा दी। अबे यार, पकड़ भी लिया, भागने का मौका भी नहीं दिया गाइस, पकड़ लिया इसने तो। एक लाइफ तो गया हमारा, ऐसे ही वेस्ट हो गया। अब छोड़ो गाइस, जल्दी से चलते हैं हवन कुंड के पास और इस कपूर को रखते थे वहाँ पे। ओके, ये रास्ता मुझे ठीक से याद है, यहाँ पे कुआं आता है इस दरवाजे के बाद। कुआं के पास से हमको जाना होता है, सीधे हवन कुंड के पास जाएंगे। ओके, ये रहा वो दरवाज़ा, और ये सामने देख सकते हो हवन कुंड दिख रहा है। जल्दी से इसको रख देते वहाँ पे। कहाँ पे रखना होता है इसको? कहाँ पे? यहाँ पे आरती की थाली रखना होता है, यहाँ पे। हाँ, ओके, यहाँ पे रख देते इसको, डन हो गया। इस मुखौटा को ले चलते हैं, इस मुखौटा का यूज होने वाला है, हमको कोट चाहिए। जल्दी से इसको ले जाते हैं। अबे खुल जा भाई। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं उस रूम में। ओके, यहाँ पे इसको रखना होता है, रख दिया। हमारा कोड है 344। ओके गाइस, याद रखना इसको। जल्दी से उस रूम में चलते हैं जहाँ पे इसका यूज होने वाला है। ओके गाइस, बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार हमको वो रूम मिल गया, जो कि ये रहा। और हमको इसमें डालना है वो कोड। कोड क्या था? 344। अरे भाई क्या कर रहे, जल्दी से लग जा।
ये रहा 3 आ जा 3। ओके 3 हो गया और इसमें करना है 4। 0 1 2 3 4 और इसमें भी करना है 4। डन। यहाँ से हमको हनुमान चालीसा मिल गया, तो इसको ले जाकर सीधे रख देते हैं अपने हवन कुंड के पास। नो टाइम वेस्ट, अबे जल्दी चलना, क्या कर रहा है यार। एक तो गाइस मेरा फ़ोन भी लैग कर रहा है, कुछ भी बोलो। चलो इसको जल्दी से ले जाकर रख देते हैं हवन कुंड के पास। ओके इसको कहाँ रखना है, हाँ यहाँ पे। डन। चलो गाइस यहाँ से भागते हैं जल्दी से। अब हमको चाहिए आरती की थाली और कलश, और कलश के लिए हमको जाना पड़ेगा कमला के बेडरूम में। उसका बेडरूम शायद यही रास्ता है उधर जाने का। ओके ओके शायद उधर ही, हाँ ये रहा, ये रहा सरला का बेडरूम। यहाँ से हमको लेना पड़ेगा अगरबत्ती, और इस अगरबत्ती को ले जाना पड़ेगा मंदिर में। चलो भाई जल्दी से मंदिर में ले चलते इसको। मंदिर किधर जाना है यार, बस कमला पकड़ ना ले हमको। जल्दी 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 जल्दी। अबे भाई एक डोर बाहर पर बंद हो जाता है, किधर से जाना था यार, मैं तो रास्ता ही भूल गई किधर जाना होता है। बस ये मैडम जी पकड़ ना ले सामने से। ओ नो यार पकड़ लिया। गाइस इसका नाम लो तो ये हाजिर हो जाती है, फिर से हमको पकड़ लिया। चलो गाइस जल्दी से मंदिर में चलते हैं अब, क्योंकि हमारा कलश वहाँ पे आने ही वाला होगा। अब सीधे इस रास्ते से चलते हैं मंदिर के पास। ये बाहर का है दरवाज़ा, अरे ओपन हो जाए यार, क्या करता है यार ये, बार बार ओपन हो जाता है बंद हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो गाइस कुएं के पास से हम सीधे मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाना है हमको, किधर से जाना होता है यार, बार बार रास्ता भूल जा रही हूँ मैं। अरे मंदिर कहाँ से, ओके ये रहा शायद मंदिर, ये वाला मंदिर है। ओके ये मंदिर में हमको कलश मिल जाएगा। ओके ये रहा कलश, हम इसको जल्दी से उठा लेते हैं और हवन कुंड के पास रख देते हैं जाकर। और अभी हमको आरती की थाली भी चाहिए, चलो पहले इसको रख के आते हैं जल्दी से। ये रहा हवन कुंड, इसको कहाँ रखता है, अबे इसको कहाँ रखना है यार। ओके इसको इस वाले जगह पर रखना है। कलश 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 रख रख दे। ओके रख गया, डन हो गया ये भी। अब हमको बस आरती की थाली चाहिए और हमारे पास लाइफ भी 1 बचा है। इस पर मैं पकड़ी गई ना तो कमला हमारा कचुमर बना देने वाली है। और गाइस जहाँ तक मुझे याद है मैंने आरती की थाली कुएं के पास जो रूम है ना वहाँ पर देखी थी, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर और आरती की थाली लेते हैं और निकलते हैं। ओके यहाँ पे ये रहा कुआ और ये रहा वो रूम जहाँ पे मैंने आरती की थाली देखी थी। ओके चलो गाइस देखते हैं यहाँ पे है भी या नहीं। ओके गाइस ये रही आरती की थाली, तो इसे ले चलते हैं सीधे हवन कुंड के पास। अरे उठ जा यार कितना लेट कर रहा है, एक लाइफ बची हुई और इसे वेस्ट नहीं करना चाहते, इस पर पकड़े ना तो ख़त्म। ओके गाइस ये रहा हमारा हवन कुंड, जल्दी से इसे रख देते। ओके इसे यहाँ पे रखना है, रख दिए। और यहाँ पे कमला का भूत भगाओ।